आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 30 जनवरी की श्री वरदान की। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हमारे अंदर दो क्वालिटीज हो, एक हो नम्रता की और एक हो कि हम एक इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये जब दो क्वालिटीज आती है तो हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, चाहे हम एक फैमिली मेंबर हों, चाहे हम बिजनेस करने वाले हों, चाहे हम जॉब में हों, चाहे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम का ख्याल रख रहे हों, उसका केयर कर रहे हों, चाहे किसी भी प्रकार का। और ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर अगर हैं तो हमें कोई भी प्रकार के विघ्न ज्यादा लंबे समय तक नहीं आते। और विघ्न आने का कारण भी यही है कि हम कहीं ना कहीं मेरा तरीका, मेरे वेज, मेरे मेथड्स, मैं ही सब ठीक हूँ, मैं ही राइट बोलता हूँ, ये बोलती हूँ, जब हम ये यूज करते हैं तो हमारे रेजिस्टेंसेस बहुत आते हैं लोगों से। और जो काम होना होता है 10 दिन में वो होता है 10 की जगह पर 20 दिन में, मतलब कि वो टाइम एक्सटेंड हो जाता है। तो इस चीज को हम समझें आज परमात्मा के सुंदर वरदान से। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि निमित और नम्र चित्त। निमित मतलब आप इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी कार्य दिया जा रहा है आपको, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे किसी ने कुछ कार्य दिया आपको, या आपको कुछ निमित बनकर कार्य करना है, कोई भी सेवा करनी है, तो आप उस सेवा में, यानी कि किसी ने आपको दिया है, आप खुद भी जब आप डिसाइड करते हैं कुछ करने के लिए, तो वो भी आप निमित बनकर कर सकते हैं। उसमें यह ना हो कि मैंने बोला था ना ऐसे करना चाहिए था, तुमने क्या कर दिया। निमित और नम्र चित्त, हम्बल, नम्रता की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है, कहीं अचानक से अभिमान ना आ जाए, लोगों से आपको बहुत बहुत ही प्यार मिल रहा हो और बहुत लोग आपकी वाह वाह कर रहे हो और वहां पर आप कहीं चढ़ ना जाए ऊपर और उससे बुद्धि के ताले लग जाते हैं और हम वहां से हमारा गिरना पतन शुरू होता है, हम गलती करना शुरू करते हैं, हम किसी को गलत कह देते हैं, अभिमान में आकर के किसी को हम ठेस पहुंचा देते हैं और वहीं से हमें दुश्मन ज्यादा बढ़ने शुरू होते हैं, इसकी जगह की सहयोग करने वाले लोग। तो ये इस चीज का बहुत ध्यान दें। एक लीडर के अंदर एक बहुत विशेषता होनी चाहिए दो चीजों की, एक होता है नम्रचित और एक होता है निमित्त। मैं स्मृति में रही है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो, इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर, लकीर हर जगह झुकना, हांजी करना, यहां पे बात नहीं मानी जा रही है, वहां पे स्टेप बैक करना, पीछे हट जाना, फोर्स नहीं करना कोई चीज को, स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो। स्वयं को रूहानी सेवाधारी, जिस्मानी सेवाधारी करेंगे तो नाम मान शान चाहिए होगा, धन संपत्ति चाहिए होगा, कुछ रिटर्न में चाहिए होगा, लेकिन मैं अगर रूहानी सेवाधारी हूं तो मुझे कुछ चाहिए नहीं है। करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और यही सबसे मुख्य बात है, जब हमारे थॉट्स प्योर होते हैं तो हमारी मेहनत कम हो जाती है, जब हमारे थॉट्स इम्प्योर होते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोग भी हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, सिचुएशंस अगेंस्ट हो जाती है, पांच तत्व भी हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को समझें हम, और समझने के लिए, इसकी गहराई में जाने के लिए ब्रह्म कुमारी में आए और आप भी इस ज्ञान को उठाएं। ओम शांति।